अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसे। जी यहाँ पे मैंने सिर्फ एक गोली जो थी पानी डाला था वो पार्ट में रिकॉर्ड नहीं कर पाई, और अब हमने इसको ढक देना है। ज़्यादा पानी हमने नहीं डालना क्योंकि दलिया हमने पहले से ही भिगोया हुआ था, सो इतना ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। इसे सिर्फ 10 मिनट का दम लगाना है, और अब ये आपके सामने है। ये कुछ इतना थिक होना चाहिए, इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी पुदीने की और है धनिए की मेरे पास पत्तियाँ थी वो मैंने डाल दी हैं, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। यहाँ पे हम इसको गुड़ वाला मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और दलिये के फायदे तो आपको वैसे ही पता है, बच्चे भी बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। और इसमें और मुझे जब मैं ये बनाती हूँ डिश तो मुझे चावलों की मेरी क्रेविंग जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, सो इसे मस्ट ट्राई करिएगा। अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। माशाल्लाह दलिया तो बहुत ज़बरदस्त बना है, बहुत अच्छा बना है। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, इसे बच्चों को दे सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं। ज़्यादातर मैं ही खाती हूँ ये दलिया, और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, और बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जो भी चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।